this is the place where I'm staying. यहाँ पर एक ब्रोंज पैक स्नेक बैठा है और ये एकदम हार्मलेस है और लोगों के अंदर सांपों के डर के बावजूद ऐसा जाना गया है कि हर साल सांपों के कंपैरिजन में मधुमक्खियों के काटने से ज़्यादा लोग मारे जाते हैं। और यहाँ पे इस फ्रॉग की फोटोशूट की कोशिश जारी है, मशरूम के एकदम बीचों बीच एकदम फिल्मी स्टाइल में फोटोशूट हो रहा है इसका। स्पाइडर साइड में ही है। अरे बहुत मोटा है ना। हम पिनोस क्यों बोलते हैं इसको? ओके सो अब स्नॉड है ना जो मुंह है, हाँ सो उसके ऊपर देखो थोड़ा हम जैसा है। यानी जो आप यहाँ पे देख लोगे ना यहाँ पे, सो उसको हम्प है, सो मीन्स थोड़ा ऊपर ऊपर जैसा, सो इसलिए उसको हम कहते हैं, हम्प नोज। और यू कैन सी दिस पिट, आई देख रहा है, आई के वहाँ पे जो पीड़ है, दैट्स अ हीट सेंसिंग पिट। अच्छा हाँ, सो इसलिए इसको हम्प नोज पिट वाइपर कहते हैं। अब देखो थोड़ा लाइफ ऑफ अ वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर। सो दिस इज द एडल्ट, पर्पल क्रैब स्पाइन्स बैक पे हैं। स्पाइन्स देखो मेनली तीन वाले और एकदम बड़ा डिस्क रिंग जैसा है। इट इज एन एगामेड लिजर्ड मेनली फाउंड ऑन ट्रीज और ये वेस्टर्न घाट्स में ही पाए जाते हैं बिकॉज दे आर एन एंडेमिक स्पीशीज। पर भैंसे रिलैक्स कर रही हैं और हमने उनको डिस्टर्ब कर दिया। इसे देखने से तो ऐसे लगता है जैसे कि ये पैरों वाला सांप है, बट ये सांप नहीं है, इट इज़ अ लिजर्ड एंड इट इज़ कॉल्ड अ स्किंक। तो अभी अपनी वर्कशॉप की लास्ट क्लास ओवर हुई है और काफ़ी कुछ जानने को और सीखने को मिला है यहाँ पे कि एम्फीबियंस का हमें लगता है कि एम्फीबियंस आर द एनिमल्स विच लिव ऑन लैंड एंड वाटर, जबकि ये डेफिनेशन गलत है। ऐसे तो क्रोकोडाइल भी लैंड और वाटर पे रहता है। द करेक्ट डेफिनेशन इज कि एम्फीबियंस आर दोज एनिमल्स जिनको लैंड और वाटर दोनों सर्वाइवल के लिए चाहिए होता है। बात करें एम्फीबियंस और रेप्टाइल्स के डिफरेंस की, तो रेप्टाइल्स हैव स्केल्स ऑन देयर बॉडी, लेकिन एम्फीबियंस की बॉडी के ऊपर कोई स्केल्स नहीं होते। मोस्ट इंटरेस्टिंगली फ्रॉग्स और टोड्स में भी एक कैरेक्टरिस्टिक डिफरेंस रहता है, जो कि है कि फ्रॉग्स में आई के पीछे जो टिम्पैनम होता है यानी कि ईयर ड्रम, उसके पीछे एक मार्किंग होती है लाइन जैसी, जो कि टोड्स में मिसिंग होती है।
जबकि लोगों को लगता है फ्रॉग्स और टोड्स में ऐसा डिफरेंस है कि फ्रॉग्स ज्यादा कलरफुल होते हैं, टोड्स थोड़े डल कलर्ड होते हैं, बिल्कुल भी नहीं है। तो अगर फ्रॉग और टोड में डिफरेंशिएट करना हो तो उसके ईयर ड्रम के पीछे देख लेना, अगर मार्किंग होगी तो वो फ्रॉग है, नहीं तो वो टोड है। फ्रॉग्स और कोई भी रेप्टाइल्स एम्फीबियंस पे कभी भी कलर पे उनको आइडेंटिफाई नहीं करना चाहिए, क्योंकि उनका कलर हमेशा चेंज होते रहता है, कलर पैटर्न ये सब डिस्टिंग्विशेबल फीचर्स नहीं है। तो कभी भी किसी स्नेक या फिर फ्रॉग को कलर के बेसिस पे आइडेंटिफाई नहीं कर सकते हम लोग। स्नेक्स को आइडेंटिफाई करने के लिए उनका सिर्फ स्केल देख सकते हैं, सिर्फ स्केल्स देख के उनके काउंट करके, उनके नंबर टाइप शेप काउंट करके ही आप उस स्नेक्स की स्पीशीज का पता लगा सकते हो। सबसे अच्छी चीज़ जो मैंने इस वर्कशॉप में सीखी वो ये है कि किसी भी एनिमल को एकदम नाम से आइडेंटिफाई करना है, उनकी नेमिंग पे नहीं जाना चाहिए, हमको उसके फीचर्स देखने चाहिए। क्योंकि काफ़ी बार ऐसा होता है कि हम नाम तो दे देते हैं लेकिन वो स्पीशीज एकदम गलत होती है, क्योंकि कोई भी स्पीशीज को आइडेंटिफाई या नेम करने के लिए उसके सारे फीचर्स देखे जाते हैं, ना कि सिर्फ एक फीचर पे उसके नेमिंग या आइडेंटिफिकेशन होती है। इस नेमिंग और आइडेंटिफिकेशन के चक्कर में काफ़ी लोग गलत स्पीशीज को गलत ग्रुप में क्लासीफाई कर देते हैं, गलत नेम कर देते हैं, जिसकी वजह से बहुत प्रॉब्लम हो जाती है। और अब आप सब ये फ्रॉग्स की आवाज़ें सुन पा रहे होंगे, सुना? तो अब टाइम है नाइट ट्रेल पे जाने का, जो कि हमारा इस ट्रिप का लास्ट ट्रेल होने वाला है। नाइट ट्रेल पे जाना था लेकिन बारिश स्टार्ट हो गई तो नाइट ट्रेल डिले हो गया, अभी वेट कर रहे हैं बारिश रुके तो हम जाएं। तो मच्छर भगाने के लिए अबाउट 70% स्नेक्स एग्स ले करते हैं और अबाउट 30% स्नेक्स यंग वंस को लाइव बर्थ देते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं इस स्नेक की बहुत ही पतली और लंबी बॉडी है एंड इट हैज़ एरो लाइक हेड विद अ पॉइंटेड स्नाउट। स्टिंग इंसेक्ट, सॉरी, ये वो है स्टिंग इंसेक्ट जो ब्राउन हमने देखा वो अभी। ये स्टिंग इंसेक्ट जनरली ब्राउन होते हैं बट ये वाला ग्रीन है और ये काफी अच्छे से कैमोफ्लाज्ड होते हैं, तो इन्हें स्पॉट करना बहुत ही ज्यादा मुश्किल होता है और ये लगभग 15 से 20 इंच की लंबाई तक ग्रो कर सकते हैं। गर्मी थी ना। कौन सी फ्लाई है ये? सी क्रेनियल पैसेज है अच्छे सा प्रॉपर एंड द क्रेनियल जॉइंट्स कम्प्लीटली बोथ साइड्स, ठीक है। द ब्लैक कलर लाइनिंग विल जॉइन बोथ साइड्स। यू हैव अ प्रोमिनेंट पैरोटिड ग्लैंड ऑल्सो कॉल्ड द पॉइजन ग्लैंड। नाउ सी द बैक अरेंजमेंट, यू विल फाइंड पैरेलल लाइनिंग ऑफ वॉच। मेरे ऊपर बैठ गया है फॉरेस्ट कॉकरोच। और फिर हमें मिला एक बहुत ही ज्यादा रेयर क्रिटिकली एंडेंजर्ड स्पीशीज ऑफ फ्रॉग, दैट इज अम्बोली बुश फ्रॉग। ये बुशेज और ट्रीज पर पाया जाता है एंड इट इज ऑन द ब्रिंक ऑफ एक्सटिंक्शन। अगर इसे अभी नहीं बचाया गया तो ये एक्सटिंक्ट हो जाएगा। नहीं ये देखो ना कितना बड़ा है, यहाँ से ऊपर तक पतला है। वो दिन वाला मोटा लगा मेरे को। मारो फोटो मारो, रिकॉर्ड जल्दी रिकॉर्ड।
ये ऐसे मकड़ी के जाले लगे हुए हैं, ये रही मकड़ी, ये मुंह पे लगते हैं सीधा। नमस्ते, एम्फीबियंस एंड रेप्टाइल्स जिसको हम उभयचर और सरीसृप करके जो जीव बोलते हैं उनके बारे में अगर आप देखेंगे तो बहुत कम जानकारी उनके बारे में। तो इसमें क्या क्या आता है, तो इसमें सांप आते हैं, छिपकली आती है, क्रोकोडाइल्स है, और आपका नो टर्टल स्टॉटाज जो बोलते हैं ना, कछुआ वगैरह, वो सब आ जाते हैं, मेंढक है उसमें। और ये सब चीज़ें इनके इनका नाम भी जब मैं लेने शुरू किया तो आपके मन में एक ऐसा डर आया रहेगा या ऐसी घृणा आई रहेगी, आपको लगता है कि ये चीज़ ये जीव बहुत अच्छे नहीं है। लेकिन अगर उनके बारे में आप जानकारी लोगे तो आपको पता चलेगा ये जीव बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रकृति के लिए इनका रहना बहुत महत्व का है। अगर ये जीव रहेंगे तो पानी बचेगा, अगर ये जीव रहेंगे तो जंगल बचेगा, ये जीव रहेंगे तो आदमी बचेगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए ना। अगर मेंढक का अब हम बात करेंगे तो मेंढक या फ्रॉग जो भी है वो इंसेक्ट्स खाते हैं, इंसेक्ट्स खा के इंसेक्ट का पॉपुलेशन बहुत मेंटेन रखते हैं लोग, और बहुत सा डिसीज जो इंसेक्ट के थ्रू हो रहा है उनकी वजह से नहीं हो रहा है। अगर हम मेंढक को ख़त्म कर देंगे तो पूरा इंसेक्ट का पॉपुलेशन मिट के हमको खाने के लिए नहीं मिल जाएगा, ये याद रखिए। लिजर्ट्स के बारे में अगर हम बात करते हैं, छिपकली के बारे में बात करते हैं, तो आपको लगता है कि छिपकली जहरीली होती है, खाने में गिरने के बाद हमको तकलीफ होता है करके आपने पढ़ा है, लेकिन ऐसा देखा है किसी ने? किसी ने देखा नहीं, क्योंकि छिपकली जहरीली नहीं है, वो खाने में गिरने से कुछ होता नहीं है। छिपकली एक तो काटती नहीं है और काटने के बाद भी कुछ होता नहीं। दूसरा है सांप, सांपों के बारे में भी वही गलतफहमियां बहुत है सांपों के बारे में, हमको लगता है कि सांप सब जहरीले हैं और कोई भी सांप काटेगा तो आदमी मर जाएगा, ऐसा कुछ है नहीं है। भारत में अगर भारत की हम बात करते हैं तो 300 प्रजाति के अलग अलग सांप है, उसमें से सिर्फ 60 सांप जो है जो जिनमें जहर है, और उसमें से भी सिर्फ 4 सांप है जो आदमी के हमारे परिस्थिति में रहते हैं और उनके काटने से आदमी की मौत के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। लेकिन हर सांप जहरीला है करके जो मन में जहर है वो निकाल दीजिए। इनके बारे में जो भी गलत फहमियाँ हैं उनकी वजह से आज हम इन लोगों को प्यार नहीं करते, इनके बारे में जानकारी भी लेने के लिए हम तैयार नहीं हैं। तो मैं आपको क्या बोलता हूँ कि ये प्राणी जो भी है इनके बारे में हम जानकारी लेना चाहिए, उनके बारे में स्टडी करना चाहिए, और जितना ज़्यादा जानकारी हम लेंगे उतना ज़्यादा उनका कंजर्वेशन के लिए हम हेल्प कर सकते हैं, और वो बचेंगे तो हम बचेंगे। थैंक यू। और यहाँ पर है एक फायर फ्लाई, इसकी बॉडी में कुछ केमिकल रिएक्शन होते हैं जिसकी वजह से लाइट एमिट करता है जो इसे अपना पार्टनर फाइंड करने में और डिफेंस में भी हेल्प करती है। उसके लिए तो वाक्य आए दिखाओ बहुत So this is the bat that we just saw and it is very 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 rare. So इस जगह को bye bye कहने का time आ गया है। I'm going to miss this place. Vijit sir and yes. Gajanan sir for hosting us. और इतना अच्छा खाना के लिए, इतना अच्छा ट्रेल करवाने के लिए, इतने अच्छे। आइए फिर से आप भी, हमको भी बहुत अच्छा लगा आपको होस्ट करते हुए। गाइस बहुत ही ब्यूटीफुल प्लेस है नेचर्स नेस्ट, आप भी आइए और आप बहुत एंजॉय करेंगे। Thank you.
आमची मुंबई रे हम मुंबई में आए और वड़ा पाव ना खाए ऐसे कैसे हो सकता है।